No, no, the chocolate one. Yeah, chocolate one is best. Yeah. Sara, so much. God bless you. Mamnoon. बड़े अच्छे लोग थे यार, वो पूरी एक फैमिली थी, उनके वालिद और वालदा भी साथ थे। इनके सिक्योरिटी गार्ड्स कितने वेल इम्प्रूव्ड हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसी हरकत सिक्योरिटी गार्ड कर दे, चाहे बंदा गलत क्यों ना हो, वो वैसे उसको फाट देंगे भाई। जो औरतें हैं ना, वो तो हैं ईरान में। अच्छा, कुछ चीज़ें थोड़ी हैरान कन हैं इनके शॉपिंग सेंटर में। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड इवनिंग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी शिराज में, और यहाँ से तकरीबन 1.3 किलोमीटर जो है ना, हमून कम्प्लेक्स के नाम से एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। और वैसे भी शाम होने वाली है, मैं कमरे में बैठा हुआ था, बहुत उदास और बोर। मैंने सोचा कि क्यों ना यार बाहर जाके थोड़ा शॉपिंग मॉल को ही देख लिया जाए। काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। अमूमन हर जगह पे ऐसे ही होता है कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं ना, वो प्रॉपरली एक्टिव ही रात को होते हैं। तो सेम वही ईरान में यही सीन है भाई। यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल है वो शाम को ही खुलता है तकरीबन, और सारी रात चालू रहता है। एरिया आप देख सकते हैं, शिराज का एरिया है भाई। काश मैं ये साइकिल कभी बुक कर पाता यार, कमाल हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव कार्ड, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट। इसके लिए कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करें और जहाँ मर्जी साइकिल खड़ी हो, बार कोड स्कैन करो और ले जाओ। कमाल है यार। और इसके अंदर GPS ट्रैकर लगा होता है कि आप इसको जो है ना चोरी भी नहीं कर सकते, जिधर जाएंगे उनकी कंपनी पीछे ही आ जाएगी आपके। और ये साइकिल लॉक हो जाती है अगर आपकी पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। ये समोसे आ गए भाई, समोसा लेके ट्राई करते हैं, पता नहीं क्यों। या फारसी ना, जस्ट इंग्लिश। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। या पाकिस्तान। या दिस वन इज दिस स्पाइसी और नॉट? या इट्स स्पाइसी। इट्स स्पाइसी। या आई एम पाकिस्तानी, दैट्स व्हाई वी लाइक स्पाइसी। नॉट टू मच। नॉट टू मच। सो हाउ मच इज दिस? टेक इट। आई डोंट हैव कार्ड। ममनून, मर्सी भाई। ले लिया मैंने। अच्छा, वो पता क्या कर रहे थे, वो मुझे ना चटनियों के 2-3 पैकेट दे रहे थे, क्योंकि उनके पास बकाया नहीं था। ये तकरीबन पाकिस्तानी 30-35 रुपए में पड़ा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है। स्पाइसी बहुत कम होता है, ये खट्टा सा है यार। ये तो हमारे वाला मिर्चों वाला होता है, इसमें मिर्चें हैं ही नहीं। मिर्चों से ये लोग ऐसे जाते हैं जैसे पंजाबी में कहावत है ना, सिख तम्बाकू तो जानता है। इस तरह पब्लिक में खाने के लिए भी बड़ी बेशर्मी का मुजारा करना पड़ता है। मुझे पता है ना लोग क्या देख रहे हैं मुझे और क्या सोच रहे हैं। दिस इज हाउ अ पाकिस्तानी ईट इन पब्लिक। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सामने जो है ना, ये वाला, ये गार्डन है या कुछ इस तरह की चीज है, पहले चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली इट्स अ पार्क, और ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें मैं आया हूँ। और पार्क का नाम मुझे भूल गया, पता नहीं लिखा हुआ अपने गूगल मैप पे यही लिखा हुआ था कि इसका नाम पार्क है। ईरान आने से पहले ना मुझे लोग कहते थे कि यार ये लोग जो है ना वो इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते अमेरिकन। ठीक, आपका कैमरा GoPro जो है ना वो अमेरिकन है, तो इसमें वो बड़ा नेगेटिव रिएक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब मैं रियलिटी में आया। यकीन करो, हमारी भूल है, ये लोग अमेरिकन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते ना। जितने आईफोन मैंने इनके पास देखे ना, कभी पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं देखे। थोड़ा आपको ग्रेजुएट बंदा मिलेगा, ज़्यादातर पढ़े लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखों के पास आईफोन ही है भाई। अच्छे घर हो ना हो, आईफोन ज़रूर होता है उनके पास। घर भी उन्होंने VIP बना रखे। सलाम आगा शायद ना, इनके ट्रेडिशनल जो हैं वो बैग वगैरह छोटे छोटे। पार्क में कुछ खास देखने वाला नहीं, पब्लिक ही है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैठी हुई है, जो कपल्स वगैरह जो बैठे हुए हैं। मेरे का बंदा वैसे यहाँ पर चलता हुआ बड़ा अकबर लगता है, और आप भी मुझे पता है क्या सोचते हो। मैं बड़ा वाकिफ़ हूँ आपकी सोच से। 1.5 साल हो गया मुझे इसी चक्रों में व्लॉगिंग वाले। खैर, वो ना मैं आपको एक बात बता, ईरान आने से पहले अब तक किया एक बंदे से, मैंने उससे पूछा भी यार आप बुज़ुर्ग बंदे हैं, आपकी ठीक ठाक एज है, ये बताओ कि ईरान में जब आप गए थे तो आपको क्या फील हुआ। उसने कहा बेटा बात कुछ ये है कि जब मैं ईरान में गया था ना, मुझे 2 चीज़ें रियलाइज हुई। फर्स्ट वन इज़, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो अपने साथ के खातून को लेके फिरते हैं, एक मैं ही था जो वहाँ पे अकेला था। और वो बात आपको बिल्कुल यहाँ पे सच फील हो रही होगी, मेरी चीज जो उसने कही थी वो थोड़ी अजीब है लेकिन बता ही देता हूँ। उसने मुझे कहा था जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना ईरान में, तो मैंने ये देखा जो औरतें हैं ना वो तो हैं ईरान में। शबीर पुत्र असा ईरान पहुंचे है ना, एयरपोर्ट बाहर निकले तो यकीन करो भी निगे मारी ना, तो वेखा भी रन्ना तो फिरते हैं इतने सारी उम्र सारा खोदियां वेखियां। ज्यादा हंसना नहीं भाई, लोग मुझे पता है लोग सारे चार चुफेरे मुझे ही देख रहे हैं भाई। पता है क्या,
इस चीज़ के लिए ना इस तरह कैमरा पकड़ के पार्क में लोग आपको देख रहे हों, और ख़ासकर व्लॉगिंग वेरी टफ है। अच्छा वो जो साइकिल मैंने आपको दिखाई थी वो वाली, लोग ट्रैवलिंग के लिए नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए कम और वेट लूज और वॉकिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वॉक करने के लिए। यहाँ पर मैंने लोगों को देखा ना पार्क में वॉक के तौर पर या फुटपाथ में इधर से उधर जिनका वेट ज़्यादा है एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वरना इनके पास कौन सी कोई गाड़ियों की कमी है या चीज़ों की कमी है जो इनको साइकिलिंग की ज़रूरत पड़े। अच्छा आपको ये मेरी बैक साइड पे साइकिलों के पहिए नज़र आ रहे होंगे, पहिए से मुराद टायर। यकीन करो कि दिल की आवाज़ बता रही है कि अगर ये टायर मेरे इलाके में होता ना तो कब का लोकल्स इसको अपने साइकिलों में लगा लेते, वरना कबाड़िए तो ले जाते इसको कब के यार। लेकिन इतना बुरा नहीं है मेरा इलाका, बस अफसोस है कि वो सड़क के किनारे दरख्त नहीं छोड़ते, हत्ता तक के जो निशान लगा हो ना कि ये आगे आबादी है ऐसा चलाओ, वो भी हमारे इलाके के बिल्कुल साथ था। यकीन करें वो तो उनके फ़ायदे के लिए था कि ताकि लोग जो है ना वो ऐसा गाड़ी कर लें, वो भी किसी ने वहाँ से उतार के और बेच दिया, लोहे का था। इसलिए इनको देख के ना वो वाला जो है ना सारा निज़ाम याद आ गया मुझे। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ना सिर्फ उनको ये बात समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि भाइयों हम भी इनकी तरह हो जाएं, जैसे ये अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम भी ऐसे अपने इलाके का ख्याल रखें ताकि बाहर से आने वाला हमारे गुण गाए, हमारी तारीफें करे, ना के कहे कि यार देखो ये तो दरख्त नहीं छोड़ते। हमें इनसे सीखना चाहिए यार, ये आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। वो पीछे जो आपने चौक देखी उस चौक का नाम था संगी स्क्वायर। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इस जगह से मैं पहले होके गया हूँ। मैं मेरे ख्याल में जाने लगा था ना शादी के मज़ार पे, तब मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब आ गया। ये भी नहीं पता कि वो वीडियो भी बनाने देंगे कि नहीं, हो सकता है अगले कहो भाई बंद कर जैसे पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ पर इतना ही कहते हैं कि दूरबीन खामोश बंद करो, खामोश करो। लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन अगर कहेंगे तो फारसी में यही कहेंगे। जहाज जा रहा है भाई, खड़का सुनो नहीं, जो मैं हमारा यामा नहीं होता जिसका सिलेंसर उतरा हुआ, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ आ रही है। वो सामने ऊपर जहाज जा रहा है, ये शॉपिंग मॉल सी है सर। अगर बंदा बता देना कि मैं हूँ पाकिस्तानी हूँ या टूरिस्ट हूँ या फॉरनर हूँ, वो कोई इतना नेगेटिव रिएक्ट नहीं करते यार, वो समझ जाते हैं ठीक है कोई मसला नहीं। एक दो ब्लॉगर्स हैं मकामी जो ईरान के हैं, मेरी बात हुई थी तो वो कहते हैं कि यार ना हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि लोग जब हमें देखते हैं तो वो पूछ भी लेते हैं भाई की करता पे कि मैं ब्लॉग बनाता पे। फॉरनर को ये चीज़ फील नहीं होती, एक तो फॉरनर वैसे जो यूट्यूबर होता है वो बेशरम होता है, ब्लॉगर खासकर वो ये चीज़ फील नहीं होती। अगर कोई बोल भी दे कि ना ब्लॉग बना तो कोई बात नहीं बंद कर ले तो आगे जाके बना लूँगा, लेकिन नॉर्मल बंदे को बेइज्जती फील होती है। के अंदर आ चुका हूँ, रियली ब्यूटीफुल। वैसे मैं शॉपिंग मॉल में आ चुका हूँ, काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है, यहाँ से शॉपिंग करना हमारे पास का रोग नहीं है, हम तो ठहरे भाई लंडे वाले, जस्ट जॉकिंग यार, डोंट टेक इट सीरियसली। आज मुझे कुछ चीज़ें लेनी भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक मेमोरी कार्ड लेना है, वो बिल्कुल यहाँ से मिलेगा क्योंकि शॉपिंग मॉल से मिल जाता है, और USB अगर मिल जाए तो ये तो और बेस्ट हो जाए ताकि मैं डाटा स्टोर कर सकूँ। छड्डो वर्कर सीन चेक करो, आइसक्रीम शॉप, डू यू हैव आइसक्रीम, गो देयर, ओके ओके, आइसक्रीम यहाँ पे, डू यू नो वेयर इज आइसक्रीम, यस, यू आर द फर्स्ट वन हु कैन स्पीक इंग्लिश हियर, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, आई वाज ट्राइंग टू स्पीक, ओके दिस वन, ओके द कप वन इज चॉकलेट वन, या चॉकलेट वन, या चॉकलेट वन या दिस वन, या Okay, so just this? Yeah, only one this. Okay. How much? This was like this. That's okay? Okay, yeah, it's okay. I can't change it. 15. 15.
ये चाहिए थी आइसक्रीम, वो कप वाली नहीं जो थी जल सकी, लेकिन ये वाली मैंने ले ली है। एक तो यूजली जो मैं यहाँ से लेता रहा ना यही वाली, मुझे मिलती रही 5 तुमान की, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लिया तो मुझे 15 तुमान की मिली है, यानी कि एवरेज प्राइस से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। उसकी वजह यह कि शॉपिंग मॉल है, अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप किसी भी और चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी है ज़्यादा लग रहा है। बाकी भाई कमाल लेवल है, मुझे यहाँ पर बैठ के ना पहले आइसक्रीम खा लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ना सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा, वो अपने साथ ना प्रॉपर कॉप्स वाले यूनिफॉर्म में थे, सिर्फ सिक्योरिटी लिखा हुआ था पीछे। और जो दूसरी चीज़ थी ना वहाँ पे, उन्होंने हथकड़ियाँ जिनको कहते हैं, वो भी अपने साथ लगाई हुई थी बेल्ट के अंदर, मतलब लोगों को अरेस्ट करने के लिए, जो 2 नंबर बंद यहाँ पे 2 नंबर। मैं हैरान था कि इनके सिक्योरिटी गार्ड्स कितने वेल इम्प्रूवड हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसी हरकत सिक्योरिटी गार्ड कर दे, चाहे बंदा गलत क्यों ना हो, वो वैसे उसको फाड़ देंगे भाई। हमारी आवाम पुलिस को बड़ी मुश्किल से काबू रहती है, सिक्योरिटी गार्ड को कौन देता है। बच्चा आया कहता है कि मैं आपका यूट्यूब चैनल ले। यूट्यूब बट आई थिंक द यूट्यूब इज बैन हियर इन ईरान, या इज इट ट्रू? यस इट्स फिल्टर्ड बट वी कैन use with VPN. Yeah, I'm from Pakistan. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. You're from here in Shiraz, you live in Shiraz. Yes. Do you study? Yes. In which class? In 8. Oh my god. Nice to meet you. Thank you so much. God bless you. Bye. Mamnoon. बड़े अच्छे लोग थे यार, वो पूरी एक फैमिली थी, उनके वालिद और वालदा भी साथ थे। वो आए कहते कि यार जो अपना यूट्यूब चैनल है ना वो हमें दो, मतलब डेट्स अ गुड थिंग यार। मुझे पता था कि मैं शॉपिंग मॉल में जाऊँगा तो ऐसा कोई ना कोई सीन होने वाला है मेरे साथ। पता क्या, आपको एक चीज़ चाहिए, वो ये कि पब्लिक में बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर आप ऐसे झिझक गए और कैमरा नीचे कर लिया कि नहीं यार लोग देख रहे हैं, लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, बुरा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। इतना बड़ा भी शॉपिंग मॉल नहीं है यार, बस वो 3rd फ्लोर पर जाके एंड हो गया और कुछ नहीं था। तो मुझे बेसिकली मोबाइल एक्सेसरीज की चीज़ें चाहिए मोबाइल के रिलेटिव। उन्होंने कहा कि आपको नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ से पता करें शायद आपको मिल जाए। अरे ये सीन अच्छा हो जाएगा अगर मेमोरी कार्ड मिल जाए ना। फाइनली जो है मैं शॉपिंग सेंटर से बाहर आ गया हूँ। ये शॉपिंग सेंटर की इंटीरियर साइड थी यार, ये बड़ा नहीं था यार, मुझे लगा कि शायद बड़ा होगा, घूमने फिरने में मज़ा आने वाला है। अच्छा कुछ चीज़ें थोड़ी हैरान कन हैं इनके शॉपिंग सेंटर में, मतलब ये चीज़ तो माना है कि हर जगह पर होती है, लेकिन ना यार यहाँ पर कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस चीज़ें हैं यार इनके पास। मतलब एक चीज़ जो एवरेज, मतलब मैंने पीछे मेमोरी कार्ड का पता किया है, पाकिस्तान में 16 GB चलो 500 का ही लगा लो यार, यहाँ पे 2500-2500 3000 के हैं, जबकि इर्द गिर्द के एरिए में मैंने यही कार्ड पता किए हैं 450-300 के पाकिस्तानी बनते हैं। अल्लाह बारे से यार, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। ये मशीन देखो, ये वही है भाई, पैसे डालो और चीज़ निकालो। ये मशीन देखो, ये वही है भाई, पैसे डालो और चीज़ निकालो। बदकिस्मती के साथ ये फारसी में, और मेरे जैसा बंदा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता।